नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर शिवपुरी के तहसील करैरा से है, जहां प्रधानमंत्री द्वारा 3 मई तक सख्त लॉकडाउन के आदेश के बाद नगर करैरा में एसडीएम मनोज करवाल जी, एसडीओपी जीटी शर्मा, तहसीलदार जीएस फिरवा, थाना प्रभारी राकेश शर्मा एवं नगर परिषद सीएमओ दिनेश श्रीवास्तव जी और नगर के पत्रकार गण की अनौपचारिक मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना महामारी से और सख्ती से लड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहे, अनावश्यक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया, फल मंडी रामराज मैरिज गार्डन पर और सब्जी मंडी अब बॉयज स्कूल पर लगेगी, थोक मंडी अनाज मंडी पर ही रहेगी, करैरा में ग्राम के नाम से जो कियोस्क चल रहे हैं उनकी जांच कर उनको ग्राम के कार्य में कार्य करने पर जोर डाला जाएगा, मुख्य मार्केट में जो व्यर्थ दुकानें खुली मिलेंगी उस पर 188 धारा में FIR कर कार्यवाही होगी और दुकान सील कर दी जाएगी, राशन दुकान अपने सामान की रेट चस्पा करें, कुछ ने कर दी है बाकी सभी जल्द करें, कालाबाजारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों द्वारा कियोस्क पर अनर्गल भीड़ का मुख्य कारण यह है कि जो 500 रुपए हैं वो वापस चले जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्रकार अपने आईडी कार्ड साथ लें। उनको सही किफायती रेट में जो है सामान मिले। प्रसारण जरूर कर देना भैया अपने ग्रुपों को प्लीज, तो आधे लोग तो वैसे ही सही हो जाएंगे। देखो मैं नहीं प्रसारण, मैं नहीं, अरे मैंने नहीं, सब करो यार, सबको करना है। सही किफायती रेट में जो है सामान मिले।